नमस्कार, मैं गोपाल शर्मा और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं फाइनल प्रोजेक्ट 2 को सॉल्व करना। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट 2 नजर आ रहा है। इसमें दो स्टेप में हम लोग प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है इसका फॉर्मेट, जैसे कि ये नॉर्मल नहीं लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे रैप टेक्स का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे दोनों ही रैप टेक्स और ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को सजाएंगे जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसके क्वेश्चन के अनुसार, जो कि हमें इसके नेक्स्ट स्लाइड में मिलता है, इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है उसे एक्सेल में टाइप कर लेते हैं। तो मैंने एक्सेल में एक सीट ले लिया है और यहाँ नॉर्मल मैंने टाइप कर लिया है, जैसा कि हमें यहाँ प्रोजेक्ट में दिखाया जा रहा है। आपको भी ऐसा ही नॉर्मल टाइप कर लेना है। अभी किसी तरह का कोई फॉर्मेट नहीं लगाना। पेरोल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, ये जो लिखा हुआ है लाइन, ये आपको A1 में ही टाइप करना है। आगे के किसी सेल में भी नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। इसे A1 में टाइप करना है। उसके नीचे एम्प्लॉय नंबर आएगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नेम का कॉलम है, फिर ग्रेड, फिर बेसिक, HRA, DA, PF, टोटल, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट पेड। अब लोन अमाउंट पेड काफी बड़ा है तो देखिए आधा छिप गया है। कोई बात नहीं, छिपा हुआ है, छिपा रहने दीजिए। अभी हम लोग जब उसका फॉर्मेट सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और लास्ट में नेट सैलरी। तो जब आप ऐसा नॉर्मल टाइप कर लें, उसके बाद इसके फॉर्मेट को सेट करना है। और इसके लिए आप प्रोजेक्ट को gshgtech.com से जाके देख सकते हैं या वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम प्रोजेक्ट को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि यहाँ किस तरह से फॉर्मेट किया गया है। तो सबसे पहला फॉर्मेट जो है वो फर्स्ट रो का हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे पेरोल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये मर्ज एंड सेंटर किया गया है नेट सैलरी तक एम्प्लॉय नंबर से। तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो चलेंगे एक्सेल में जहां हमने टाइप कर रखा, और सबसे पहले A1 से सिलेक्ट करेंगे लास्ट वहां तक जहां तक नेट सैलरी लिखी हुई है, अर्थात K1 वाले सेल तक। इसके बाद होम टैब में क्लिक करेंगे और होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा इसे बोल्ड भी करना है और थोड़ा इसका साइज भी बढ़ाना है। तो हम फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड पे क्लिक कर देंगे जिससे ये थोड़ा सा मोटा हो जाए, और यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज में एक बार क्लिक कर दें जिससे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब हमारा फॉर्मेट जो पहला वाला था, पेरोल स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, वो लगभग तैयार हो चुका है। नेक्स्ट जो फॉर्मेट किया गया है वो है एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर में एम्प्लॉय और नंबर, ये दो अलग अलग लाइन में नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों एक ही सेल में है। तो हम लोग को भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे आएंगे, एम्प्लॉय नंबर वाले सेल को क्लिक करेंगे और होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपको रैप टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिक नंबर जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसे कुछ इस तरह से ज्यादा स्पेस मिल गया है। तो आप कॉलम के स्पेस को जैसे कम करेंगे, यानी इसके विड्थ को कम करेंगे, तो देखेंगे ऑटोमेटिक एम्प्लॉय नंबर जो है वो नीचे आ गया। जब भी रैप टेक्स का इस्तेमाल किया जाता है और अगर उसके कॉलम या सेल बोलें उसमें विड्थ अगर हो तो वो नीचे नहीं आता, इसलिए आपको क्या करना होगा, उसके विड्थ को कम करना होगा, तभी वो नीचे आएगा। अगर उसे पूरा स्पेस मिलेगा, जैसे कि अभी अगर हम इसे पूरा स्पेस दे दें, ये सिंगल लाइन में हो जाएगा। हालांकि इसमें रैप टैक्स ऑप्शन इनेबल है लेकिन चूंकि इसे स्पेस मिल रहा है तो ये नीचे क्यों आएगा, इसलिए आपको क्या करना है कि इसके विड्थ को कम कर देना, यानी कॉलम का जो विड्थ है वो कम कर दीजिए तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो है नेम का। नेम में यहाँ आप देख सकते हैं सभी को अलाइन किया गया है सेंटर में, वर्टिकल भी और होरिजेंटल भी, और साथ ही ऊपर वाला जो ये रो है इन सब में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे बोल्ड भी किया गया है। तो चलते हैं एक्सेल में, सबसे पहले इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं सभी को, बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं जिससे ये सभी बोल्ड हो जाए।
उसके बाद नेम से लेके पंकज तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों पे क्लिक कर देंगे, जिससे ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों ही सेंटर हो जाएं। नेक्स्ट जो है वो है आपका ग्रेड, बेसिक, एचआरए, इन तीनों को ओरिएंटेशन चेंज किया गया है, तो हम लोग भी चेंज कर देते हैं। इन तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट ग्रुप में ऊपर में यहाँ ओरिएंटेशन मिलता है, इस पर क्लिक करें और रोटेट टेक्स्ट टू अप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें, जिससे ये ऊपर की तरफ रोटेट हो जाएंगे 90 डिग्री में। अब इनका भी विड्थ जो है वो कम कर दें कुछ इस तरह से, बेसिक को जितना चाहिए उतना दे दें, एचआरए को भी जितना चाहिए उतना दे दें। इसे भी अगर आप सेंटर रखना चाहते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों ही सेंटर क्लिक कर दें, ये बीच में इस तरह से आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन लोन अमाउंट और लोन अमाउंट पेड को यहाँ पे रोटेट किया गया है और साथ ही रैप टैक्स भी इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और रैप टैक्स पे क्लिक कर देंगे। आप चाहे तो सिंगल सिंगल सेल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन अगर जल्दी करना हो तो फटाफट, अगर एक ही जैसा फॉर्मेट अप्लाई किया गया हो तो दोनों को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ जाएंगे ओरिएंटेशन में और रोटेट टू टेक्स अप कर देंगे, और चूंकि इसका हाइट ज़्यादा है, अगर हम इसके हाइट को कम करें तो ऑटोमेटिक टैक्स जो है वो रैप होके अंदर आ जाएगा। इसका भी हम लोग कम कर देते हैं, लोन अमाउंट कम हो गया, बाकी कम हो गया। नेट सैलरी को भी रैप किया गया है, तो नेट सैलरी को क्लिक करेंगे और रैप टैक्स पे क्लिक कर देंगे, ये भी सही से यहाँ अरेंज हो जाएगा। इसके अलावा इस रो में हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को सेंटर लिया गया है, तो हम लोग दोनों को इस तरह से क्लिक करके हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है वो सेंटर अलाइन कर देंगे। अब हमारा फॉर्मेट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एक चीज़ की कमी है और वो है बॉर्डर। यहाँ आप देख सकते हैं बॉर्डर लगाया गया है, तो हम लोग भी बॉर्डर लगाएंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे पूरा, यानी जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ से लेके आखिर नेट सैलरी तक, और फ़ॉन्ट ग्रुप में आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, वहाँ मिलेगा ऑल बॉर्डर, इस पर क्लिक कर देंगे, ये सारा बॉर्डर इस पर सही से सेट हो जाएगा। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्सेल में अब तक आपने जितना कुछ सीखा है मेरे ख्याल से सभी कुछ यूज़ कर लेंगे, और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर इस प्रोजेक्ट को आप सॉल्व कर लेते हैं तो मतलब किसी भी ऑफिस में आप एक्सेल में इजिली काम कर सकते हैं। तो इसे बार बार अभ्यास करें, अच्छे से अभ्यास करें और अच्छे से सीख लें। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, हम भरसक आपका हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन वाले सीट पे और देखते हैं कि क्या कुछ हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन वाले सीट पे, और पहला क्वेश्चन दिया हुआ है DA इक्वल टू 75% ऑफ बेसिक। तो वापस एक्सेल में क्या निकालना है हमें, फिर से याद रख लें, DA निकालना है 75% ऑफ बेसिक, तो हमें DA वाले सेल में क्लिक करना होगा। ये मोहन का रो है और यहाँ है DA, तो इस जगह पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ इक्वल टू टाइप करेंगे, इसके बाद लिखेंगे 75% ऑफ के लिए एस्ट्रिक और बेसिक। अब बेसिक किसका, मोहन का, क्योंकि हम मोहन का DA कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेसिक भी मोहन का ही होगा, तो यहाँ मोहन वाले बेसिक पे क्लिक कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। बस इतना ही करना है काम और DA हो जाएगा कैलकुलेट। तो यहाँ हमने मोहन का DA निकाल लिया है। अब सोहन, रोहन वगैरह जो हैं इनके भी अगर आपको DA निकालना हो तो अभी निकाल सकते हैं, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर का पहला एक रो जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और नीचे ऑटोमेटिक उसको ऑटोफिल के द्वारा फिल कर दे सकते हैं। आप जैसे चाहें दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम एक एक कॉलम को कंप्लीट करते जाएंगे। तो सबसे पहले DA को हम यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं, तो डबल क्लिक करते ही ऑटोफिल हैंडलर के द्वारा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आप चाहें तो क्लिक करके होल्ड करते हुए ड्रैग भी कर सकते हैं। तो DA हमने निकाल लिया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ HRA 40% ऑफ बेसिक, तो चलिए HRA पे क्लिक करते हैं, इक्वल टू 40, शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन आ जाएगा, उसके बाद एस्ट्रिक लगाएंगे किसका, बेसिक का,
और चूंकि हम मोहन के रो में कर रहे हैं तो मोहन को क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो मोहन का बेसिक हमने ले लिया और वहां पे 40% भी लिख दिया, जिससे मोहन का एचआरए निकल गया। अब फिर से इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑटो फिल, मैंने कहा था इसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करने से भी ये होता है और डबल क्लिक करने से भी ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब निकालना है नेक्स्ट हमें पीएफ, पीएफ है 10% ऑफ बेसिक, तो पीएफ वाले सेल पे हमने कर दिया है क्लिक, इक्वल टू 10% ऑफ बेसिक, किसका, मोहन का। तो मोहन के बेसिक पे हम क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब पीएफ भी निकल गया, चलिए पीएफ को भी डबल क्लिक कर देते हैं ऑटो फील्ड पे और ये ऑटोमेटिक नीचे तक कैलकुलेट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सैलरी इक्वल टू बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए माइनस पीएफ, तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए माइनस पीएफ, ये मैंने निकाल लिया और एंटर प्रेस कर दिया, ये आ गया। इस पे भी क्लिक करेंगे और ऑटो फिल हैंडलर पे आने के बाद डबल क्लिक कर देंगे, जिससे ये बाकी के नीचे जितने भी सेल हैं उन सब में भी कैलकुलेट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया गया है, यहाँ कंडीशन दिया जा रहा है कि अगर टोटल सैलरी 4500 से ज्यादा हो तो उसे टोटल सैलरी का 30 गुना लोन अमाउंट के तौर पे मिलेगा, अदरवाइज जीरो। तो यहाँ पे हमें इफ कंडीशन लगाना होगा कि इफ टोटल इज ग्रेटर देन 4500 देन टोटल लोन अमाउंट जो कैलकुलेट होगा वो होगा टोटल मल्टीप्लाई 30 अदरवाइज जीरो। तो चलिए इसे अप्लाई कर देते हैं एक्सेल में। तो आगे हम एक्सेल में और यहाँ लोन अमाउंट वाले सेल पे हमने क्लिक किया, इक्वल टू इफ कंडीशन हमने लगाया, यहाँ टैब दबाया। अब इफ फंक्शन के साथ हमें क्या लिखना है, इफ टोटल इज ग्रेटर देन 4500। अब यहाँ कंडीशन को हम करेंगे बंद तो कॉमा लगाएंगे, पहला कंडीशन हमने लगा दिया यानी लॉजिक टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया इफ वाले फंक्शन में। नेक्स्ट आता है इफ ट्रू, अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, तो अगर ट्रू होगा तो उसे टोटल का 30 गुना मिलेगा एज लोन अमाउंट, अदरवाइज अदरवाइज मतलब फिर से हमें कॉमा लगाना होगा। तो ट्रू हमने बंद कर दिया। अब अगर नहीं हो तो फॉल्स में क्या होगा, तो फॉल्स में उसे जीरो मिलने वाला है, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये यहाँ कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन स्पेस इसे मिल रहा है कम, तो हम इसे स्पेस दे देंगे थोड़ा ज्यादा और ये देखिए पूरा अमाउंट यहाँ शो होने लगा। तो अगर आपके पास हैज या ऐसा कुछ दिखाई दे जो अभी हमें दिख रहा था, तो इसका मतलब है कि इसके कॉलम का विड्थ जो है वो कम हो गया है। तो कॉलम के विड्थ को बढ़ा दें तो आपका यहाँ पे नंबर जो है वो पूरा शो होने लगेगा। चलिए बाकी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं ऑटोफिल हैंडलर पे और डबल क्लिक कर देते हैं और ये कैलकुलेट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका टोटल जो है वो 3075 है, मतलब 4500 से कम है, इसलिए इसको लोन जो है वो नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोन अमाउंट पेड। अब लोन अमाउंट पेड कैसे करेगा, तो कैलकुलेट लोन अमाउंट रिपेड पर मंथ। पर मंथ किस तरह से कैलकुलेट करना है, इफ इंटरेस्ट रेट इज 5% एंड टर्म ए 180 मंथ्स। तो हमें यहाँ लगाना होगा पी एम टी फंक्शन को और 5% इंटरेस्ट रेट के साथ 180 मंथ का टर्म है और किसके लिए, तो लोन अमाउंट के लिए। तो जितना उसे लोन मिलने वाला है उसके अनुसार से पर मंथ 5% इंटरेस्ट के साथ 180 महीने में उसे चुकाना है, तो कितना चुकाना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलिए चलते हैं एक्सेल पे और यहाँ लोन अमाउंट पेड पे आएंगे, इक्वल टू पी एम टी, इसके बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे, 5% ईयरली तो स्लैश 12, पहला हमने यहाँ पे रेट लगा दिया, फिर लगाएंगे कॉमा, इसके बाद कॉमा लगाने के बाद क्या है कि कितना है उसका टर्म, तो टर्म था 180 मंथ हमने लिख दिया, फिर कॉमा, किस पे ये पे करने वाला है, तो लोन अमाउंट पे, तो लोन अमाउंट को क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ देखिए हैज दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस कम हो गया,
तो दो तरीके हैं, या तो इसे मैन्युअली खींच के आप बड़ा कर दें या इस पर डबल क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिक जितना स्पेस चाहिए आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप पीएमटी फंक्शन वगैरह लगाते हैं तो आपको अमाउंट जो है वो नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि ये अमाउंट पे करना होता है इसलिए नेगेटिव में आता है। तो कोई बात नहीं, इसे नेगेटिव में ही रहना है, कैलकुलेशन में भी ये इसी तरह से काम करेगा। चलिए बाकी के लिए भी निकाल लेते हैं। ये सभी के लिए हमने निकाल लिया लोन अमाउंट पेड। अब आते हैं नेट सैलरी में, यानी अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि रीनेम द सीट वन टू एज जनवरी, मतलब सीट वन का नाम बदलना है। तो एक्सेल में आएंगे, ये रहा यहाँ पे सीट वन और इसका नाम हमें बदलना है। तो नाम बदलने के लिए सीट वन पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और टाइप कर देंगे जनवरी और एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे ये रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट ए एफ बोनस कॉलम आफ्टर द डीए कॉलम। डीए कॉलम के बाद हमें एक एफ बोनस कॉलम के नाम से नया कॉलम बनाना है। ये रहा डीए कॉलम, मतलब पीएफ पे हम राइट क्लिक करेंगे इसके हेडर में और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, जिससे डीए के बाद एक कॉलम नजर आएगा और यहाँ पे लिख देंगे एफ बोनस और एंटर प्रेस कर देंगे। इस पे क्लिक करके इसे भी रोटेट कर देते हैं और इसका स्पेस भी है थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये हो गया एफ बोनस। ओके, अब एफ बोनस कैसे कैलकुलेट करना है चलिए देख लेते हैं। तो एफ बोनस इक्वल टू 25% ऑफ बेसिक इफ बेसिक इज मोर देन रुपीज 2700, मतलब 25% मिलेगा एफ बोनस अगर उसका बेसिक 2700 से ज्यादा हो। तो सेम यही फंक्शन हमें वहां लगाना होगा। तो आ जाते हैं एक्सेल पे, यहाँ इक्वल टू क्लिक किया हमने और फिर लगाया इफ कंडीशन ब्रैकेट ऑन, बेसिक को लेंगे इज ग्रेटर देन 2700, देन बेसिक का 25% तो गुना 25%, उसके बाद कॉमा अदरवाइज जीरो और ब्रैकेट ऑफ और ये मैंने कर दिया एंटर और ये आ गया जवाब। चूंकि इसका बेसिक 2200 रुपये है तो इसे एफ बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी का देख लेते हैं। तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे, बाकी का कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2700 से जो भी ज़्यादा हैं उनको बोनस कैलकुलेट नज़र आ रहा है और जो नहीं है उनको जीरो दिख रहा है। तो इफ कंडीशन अच्छे से काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेट सैलरी इक्वल टू टोटल प्लस एफ बोनस माइनस लोन अमाउंट। तो आ जाते हैं यहाँ पे, नेट सैलरी पे हमने क्लिक किया, इक्वल टू टोटल प्लस एफ बोनस माइनस लोन अमाउंट पेड और एंटर प्रेस कर देना है। अब यहां पर भी देखिए हैज शो कर रहा है क्योंकि स्पेस नहीं मिला, तो डबल क्लिक कर दीजिए और ये आ गया यहां पे नंबर। इस पे यहां ऑटो फिल हैंडलर पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो बाकी सबका भी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए बाकी के भी नंबर थोड़े ज्यादा हैं तो शो नहीं कर रहे हैं, फिर से यहां हम डबल क्लिक कर देते हैं सभी के नंबर शो करने लगे। चूंकि यहाँ पे हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है तो इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉलर या रुपीस का सिंबल शो करने लगेगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट दे रहा है फॉर्मेट अमाउंट एज टू डेसिमल प्लेसेस। तो जहाँ जहाँ अमाउंट है उन्हें टू डेसिमल प्लेसेस में हमें फॉर्मेट कर देना है। तो यहाँ पे सही हो चुका है लेकिन लोन अमाउंट में नहीं हुआ है, जिसे सेलेक्ट करेंगे, नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे नंबर्स ले लेंगे तो ऑटोमेटिक डबल डेसिमल के साथ आ जाएगा। बाकी टोटल जो है और पीएफ वगैरह जो है बाकी सब नंबर ही है तो सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और सभी में हम लोग यहाँ नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। और चूंकि सबको स्पेस कम मिल रहा है तो सबको सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक कीजिए, जितना जिसको स्पेस चाहिए वो मिल जाएगा और हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाता है कम्प्लीट। तो आपने प्रोजेक्ट 2 को सॉल्व करना सीख लिया, इसे बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रोजेक्ट 2 को आसानी से सॉल्व कर लेंगे तो इसका मतलब आपने एक्सेल के लगभग वो सारे चीजें सीख ली हैं जिनके किसी भी ऑफिस में आवश्यकता पड़ती है। तो इस क्लास में यहीं तक, आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाय, थैंक यू।